मित्रों, विचार क्रांति अभियान अंतर्गत आजना वार्ता वैभव विभाग में आप सौनु स्वागत छे। आजनी वार्ता मारे सज्जन व्यक्ति बनवू छे। दोस्तों, कोई एक युवान जीवन नी अंदर कंईक बनवा मांगतो हतो अने चारे बाजुए थी ने एक ज प्रकारनी वात कहेवामां आवती के कोई पण मानस जो हकारात्मक अने जीवन में सारी भूमिका पर सारा वर्तन साथे जो जीवे तो व्यक्ति क्यारेय तकलीफ में न पड़े। एटले के सज्जन व्यक्ति क्यारेय तकलीफ में नथी आवती। त्यारे एना मन में प्रश्न थयो कि मारे सज्जन बनवू छे। खबर नहोती पड़ती कि सज्जन केम बनाई। त्यारे एक कोई मनोवैज्ञानिक पासे जाय छे के मारे जीवन में सज्जन व्यक्ति बनवू छे। त्यारे मनोवैज्ञानिक एम कहे छे के दोस्त, तारो प्रश्न व्याजबी छे पण तारे केटलीक तालीम लेवी पड़शे। तो के शुं तालीम लेवी? तो के तुं आवती काले सवारे आवजे, हुं तने सज्जन केम बनवू एने माटे रस्तो बतावीश। पेलो युवान बीजे छे ए मनोवैज्ञानिक नी ऑफिस मां जाय छे। एने एम कहे छे के मने सज्जन बनवू छे, तालीम आपो। त्यारे ए मनोवैज्ञानिक एम कहे छे के दरेक माणसना शरीरनी अंदर, मननी अंदर बे व्यक्ति रहे छे, एक सज्जन व्यक्ति अने एक दुर्जन व्यक्ति। कोई पण व्यक्ति आ दुनिया में एवी नथी के जेनी अंदर कोई एक ज व्यक्ति रहती होय, एक सज्जन एक दुर्जन। मात्र दुर्जन होय एवू पण न होय, मात्र सज्जन होय एवू पण न होय, अने बन्ने ए व्यक्ति एटले के विचारो शरीर में पड़ेला ज होय छे। अने रोज तारे ए दुर्जन व्यक्ति ना विचारों ने हरावा पड़े। तो के हुं समझो नहीं, दुर्जन व्यक्ति ना विचारों हरावा एटले शुं? तो ई मनोवैज्ञानिक एम कहे छे के तारा शरीर में, तारा मन में जे दुर्जन विचारों छे एने तारा सज्जन विचारों थी हरावा पड़े रोज। दाखला तरीके आजे कोई एक प्रकार नू तारी सामे एक प्रश्न आव्यो अने तने एम थाय के मारे सज्जनता थी आनी अंदर वर्तवू छे, एटले तरत ज तारो जे अंदर पड़ेलो दुर्जन छे ई एम के एवुं न कराय तो आपणे मां कंई फायदो न थाय, आपणे नुकसान जाय, एनू जे थवुं होय थाय, ए दुर्जन पार आवे। एटले तरत ज सज्जने विचार करीने फरी पाछू दलील करवी जोईए कि नहीं, जीवन मां मने कदाच फायदो थाय के न थाय पण सामी व्यक्तिने तो फायदो थवो ज जोईए, अने ए अनुसंधाने दुर्जनना विचारो नबळा पड़े। आम रोज तारे तारा अंदर पड़ेली सज्जनता अने दुर्जनता ए बन्ने वच्चेनी जे दलीलो छे ए दलीलोनी अंदर सज्जनताए दुर्जनताने हरावी पड़े रोज। एक पण दिवस खाली न जाय, जेटला प्रसंग बने एटला तरत दुर्जन एकदम उछड़ीने उभो थाय, नहीं आमज करो, आमज कराय, आ रीते थाय, ई वक्ते तारी सज्जनताए एने बेसाड़ी देवो पड़े। तू आ काम करतो रहे अने मात्र ने मात्र तू बे के त्रण वर्ष तू जो आ काम करतो रहीश रोज, तो तारा मां सज्जनतानी भूमिकानो जे कंसेप्ट छे अथवा तो सज्जनतानो जे विचार पड़ेलो छे ए मजबूत थाय अने दुर्जनतानो विचार धीमे 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 नबळो पड़तो जाय। પણ જો કોઈક વખતે દુર્જનતાનો વિચાર જો મજબૂત બનશે અને સજ્જનતા ઉપર દુર્જનતા જો એ જીતી જશે, તો એક સમય એવો આવશે કે વ્યક્તિ દુર્જન બની જશે। આપણા જીવનની અંદર પણ આપણા સંતાનોને જો આપણે તાલીમ આપવી હોય અને સજ્જન વ્યક્તિ બનાવવી હોય, તો એના દુર્જન જે વિચારો છે એ વિચારોને એને હરાવતા શીખવું પડે, અને એ હરાવતા શીખવું માટે કોઈ ને કોઈ પ્રસંગ, કોઈ ને કોઈ ઘટના, કોઈ ને કોઈ વિચાર
એની અંદરથી માત્ર સારો વિચાર, માત્ર સારો વિચાર, માત્ર સારો વિચાર. પણ એ વિચારને દબાવવા માટે દુર્જન વિચાર પ્રયત્ન કરશે. એ વખતે મક્કમતાથી સજ્જન વિચાર જ આપણે બહાર કાઢવો અને સજ્જનતાની ભૂમિકા ઉપર જવું. શરૂઆતમાં થોડું અઘરું, ધીમે 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 ઓછું અઘરું, અને એક વખતે તમે પોતે ખૂબ સરળ ભૂમિકા ઉપર તમે સજ્જન બની જશો. અને આ જ રીતે દુર્જન બની જવાય. જો દુર્જન વિચાર મજબૂત થતો જાય તો એ વ્યક્તિ દુર્જન બને, અને સજ્જન વિચાર જો મજબૂત થતો જાય તો સજ્જન બને. આપણા સંતાનોને કેવા બનાવવા છો? તો આપણે સજ્જન વિચારને મજબૂત કરવા માટેના પ્રયત્નો, માતા પિતા સિવાય દુનિયાની કોઈ તાકાત નથી. માતા અને પિતા પોતાના સંતાનોને સજ્જન વિચાર તરફ લઈ જવા માટેનો પ્રયત્ન કરો અને જીવનમાં ખૂબ તાકાતવાળા બનાવો એવી શુભેચ્છા. ધન્યવાદ.